नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक शिवपुर विवेक अग्रवाल के निर्देश पर अति पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के मार्गदर्शन में स्मैक के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करने एवं उनके प्रति आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। अवैध मादक पदार्थों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। कोलारस पुलिस स्मैक के नशे के खिलाफ जनसंवाद के तहत लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस थाना कोलारस द्वारा सोमवार को शिविर लगाकर स्मैक गांजा जैसे मादक पदार्थों के विरुद्ध जनसंवाद कर लोगों को इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। नशा से मुक्त करने संबंधी एक जनसंवाद रखा गया था जिसमें नव युवक के उम्र के लड़के आजकल नशा में बहुत ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं। उनको दूर रखने हेतु मेरे द्वारा उन सभी को आग्रह किया गया है कि नशा से अपने बच्चों इनसे दुष्प क्या नशे से क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, इससे परिवार को क्या हानियाँ होंगी और समाज में इसका क्या विपरीत असर पड़ेगा। इस संबंध में नव युवक एवं यहाँ कस्बा के ग्रामीणजनों को उस बात से अवगत कराया गया है। हम लोग लगातार पूरे फोर्स के साथ कस्बा का भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह एक जनसंवाद का कार्यक्रम भी रखा जा रहा है जिससे नवयुवक या कोई भी व्यक्ति विशेषकर स्मिक जैसा नशा जिससे पूरे परिवार घर तबाह हो जाता है और उससे परिवार के साथ साथ उनके समाज या मोहल्ले वालों पर विपरीत असर पड़ता है। कोलारस से अमर काली की रिपोर्ट।